हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या डेली सेक्स करने के लिए डेली सेक्स टैबलेट लेना ज़रूरी है। तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि क्या टैडलाफिल का 5 mg का डोज सेक्स करने के लिए काफ़ी होता है, तो अगर आप भी इसका आंसर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्स टैबलेट का क्या काम होता है। आप चाहे कोई भी सेक्स टैबलेट ले रहे हो, सबका काम एक ही होता है और सभी टैबलेट एक ही तरीके से बॉडी पर काम करती है। सेक्स टैबलेट लेने के बाद आपकी बॉडी में और पेनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और आपके पेनिस या लिंग में हार्ड इरेक्शन मिलता है, जिससे आप सेक्स का पूरा मजा ले पाते हैं। अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है या आपके लिंग खड़ा नहीं होता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं सेक्स करने के लिए, तो ये सेक्स टैबलेट आपको इरेक्शन पाने में हेल्प करती है। इसे आप आसानी से संबंध बना पाते हैं और बेड पर लॉन्ग लास्ट भी रहते हैं। तो अब आते हैं सवाल पर, क्या रोज़ सेक्स करने के लिए रोज़ टैबलेट लेना ज़रूरी है। तो इसका जवाब है, रोज़ रोज़ संबंध बनाने के लिए रोज़ रोज़ टैबलेट लेना ज़रूरी नहीं है या ज़रूरत भी नहीं है। तो आइए इसे डिटेल में जानते हैं। बहुत कम कपल होते हैं जो रोज़ रोज़ सेक्स करते हैं या करना पसंद करते हैं। इस बिजी लाइफ में हर कोई एक दूसरे को पूरा टाइम नहीं दे पाता है, बट अगर आप रोज़ रोज़ सेक्स करते हैं तो ये अच्छी बात है। इससे आप दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, साथ में आप दोनों पार्टनर की बॉडी एक्टिव और हेल्दी रहती है। ज़्यादातर यंग कपल, नई जिनकी शादी हो या आप हनीमून पर गए हो या किसी ट्रिप पर हो, तो कपल्स ज़्यादातर रोज़ रोज़ सेक्स करना पसंद करते हैं। बिजी लाइफ हो या बढ़ती एज हो या हार्मोन की कमी हो, धीरे धीरे संबंध बनाना कम होने लगता है। ज़्यादातर सर्वे में यही पाया गया है। अगर आप रोज़ रोज़ संबंध बनाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है आप दोनों के लिए। नहीं तो आपको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार संबंध या 2 से 3 बार संबंध जरूर बनाना चाहिए। इससे आप हेल्दी रहते हैं, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग रहती है, आपके बीच चिड़चिड़ाहट और कड़वाहट कम रहती है। तो रोज़ रोज़ सेक्स करने पर रोज़ रोज़ टैबलेट लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई भी सेक्स टैबलेट ले रहे हैं तो अगर आप कोई भी सेक्स टैबलेट लेते हैं तो इसका असर आपकी बॉडी में ईजिली 1 से 2 दिन तक रह जाता है या रह सकता है। तो इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि रोज़ टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप टैडलाफिल लेते हैं तो आपको 4 से 5 दिन तक या 1 वीक तक कोई और टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप टैडलाफिल के अलावा कोई और टैबलेट लेते हैं तो आपको 1 से 2 दिन तक कोई भी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका असर आपकी बॉडी में बना रहता है। टैबलेट का असर हर किसी की बॉडी में अलग अलग हो सकता है, तो आप इस हिसाब से टैबलेट को ले सकते हैं। तो होपफुली आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।